के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्य चुनाव अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा, कहा नामांकन प्रक्रिया को कराएं सकुशल संपन्न। मंडलायुक्त आईजी डीएम एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल स्ट्रांग रूम सहित अन्य तैयारियों का लिया जायजा, व्यवस्थाओं से दिखे संतुष्ट, कहा पूरी है तैयारियां, खूब करें मतदान। मरीज की मौत पर नर्सिंग होम में हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल द्वारा बुलाए गए बाहरी लोगों ने परिजनों को पूरी तरह पीटा, नर्सिंग होम के प्रतिनिधि ने आरोपों से किया इनकार, पुलिस ने दो को लिया हिरासत में। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर मंडलायुक्त ने सभी प्रभारी नोडल अधिकारी एआरओ आरओ के साथ की बैठक, कहा सकुशल संपन्न कराएं लोकसभा चुनाव। अंबेडकर चौक स्थित एक मेगा मार्ट में शनिवार को लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारी और फायर फाइटर्स ने 3 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया काबू। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण, मंडलायुक्त आईजी ने कहा ना होने पाए कोई चूक, सकुशल संपन्न कराएं मतदान। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडल स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक, कहा जेई एएस वेक्टर जनित रोगों के इलाज में लापरवाही पर सीएमओ एडी हेल्थ होंगे जिम्मेदार। घर वापसी के बाद सभा कार्यालय पहुंचे अमरेंद्र निषाद, कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत, कहा दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, यही सोचकर छोड़ी थी पार्टी। आग से गेहूं के फसल के हुए नुकसान पर किसानों को बांटी गई सहायता राशि, 40 किसानों को दिया गया लगभग 4 लाख रुपयों का चेक। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर लोकसभा सीट पर अभिषेक चंद को बनाया गया प्रत्याशी, कहा 27% आरक्षण का 3 वर्गों में वर्गीकरण और शराबबंदी होगी मुख्य मुद्दा। और रंग बिरंगी रोशनियों से रोशन हुआ मस्जिद और दरगाह, शबे बारात की रात मस्जिदों और कब्रिस्तान में दुआ के लिए उठे हाथ।